हमारे बीच आंदोलन चीफ एजुकेशन ऑफिसर प्रोग्राम के सिलसिले में आज अपने सिंह सर यहाँ पर मशहूर कर रहा हूँ। हम सब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं, ये हम सब के लिए खुशी की घड़ी है, बेहतरीन काम है। जहाँ इंटरनेट ड्राइव के सिलसिले में डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीमती मुनीम खान साहब हमारे डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा जनाब बहाले दोबारा लौट कर हमारे इस समाज के अंदर वापस आ गए। आज का ये प्रोग्राम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि हमारे स्कूलों की हालत बेहतर हो, हमारे उसाज़ा की ट्रेनिंग का मसला इसकी की जाती है कि ये ट्राई व्हीलर सिस्टम है, हमारे एजुकेशन तीन पीओ पे हमारी गाड़ी चलने वाली है। इस गाड़ी के अंदर बच्चा एक पिया है, उस्ताद दूसरा पिया है। देखेंगे अगर हमारे उस्ताद अच्छी प्रॉपर ड्रेस में आएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाली नस्ल है ये भी बिल्कुल बदल जाएगी। तो स्कूल का मकसद यही है कि स्कूलों का यही एक मकसद है कि यहाँ से कुछ सीख के जाओ। पढ़ाई तो हो रही है, आज स्कूल का बहुत जरूरी है, डिस्टेंस से स्कूल की जो है इज्जत वो बढ़ती है। बेसिकली एनरोलमेंट ड्राइव जो है वो पूरी यूटी में चल रही है और कश्मीर प्रोविंस में ज़्यादा चल रही है क्योंकि ये हमारा सेशन शुरू हो चुका है। ये पिछले साल भी हमने इनरोलमेंट ड्राइव की थी और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इनरोलमेंट ड्राइव में हम जो है यूटी में डिस्ट्रिक्ट कपवारा जो है पिछली दफ़ा नंबर में एक नंबर पर रहा था। सबसे बच्चे हमने रजिस्टर किए थे सरकारी स्कूलों में। और जो आज की इनरोलमेंट ड्राइव का ताल्लुक है ये पूरे कपवारा में बल्कि कश्मीर प्रोविंस में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के इनिशिएटिव पर जो है ये इनरोलमेंट ड्राइव किया जा रहा है। और फॉर्मली हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से चंद दिन पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने जो है इनरोलमेंट ड्राइव का शुरुआत की थी हंदवाड़ा से। वही सिलसिला है, उसी में हम डिफरेंट जोन में हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से जो है एक्टिव हैं और इनरोलमेंट ड्राइव किया जा रहा है। न्यू इनरोलमेंट ड्राइव में हमारे वो बच्चे हैं जो 3 से 6 साल तक के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 के तहत फॉर्मली स्कूलों में हम जो है उनको दाखिल कर रहे हैं, जबकि इससे पहले जो है ये बच्चे जो है हमारे सरकारी स्कूलों में दाखिल करने का कोई प्रोविजन नहीं था। बहुत बड़ी चेंज है। जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नमेंट स्कूल का, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और मैं तो कहूँगा ये जो एक साइड लोग एक रुख कर लेते हैं बराबर, तो इसको भेड़ चाल कहा जाता है और शायद उस भेड़ चाल में भी हो सकता है हमारा टीचर भी ये शामिल हो कि मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ। मुझे लगता है उनमें चेंज आई है और वो जो है अपने बच्चों को वापस ला रहे हैं। बहुत सारी इनरोलमेंट ड्राइव में 10-10, 20-20 टीचर मिले हैं जिन्होंने बच्चे लाए और मुझे रजिस्टर मेरे हाथों करवाए। आप बस आपने खुश शाइंद बात कही कि प्राइवेट स्कूलों के इतना बड़ा नेक्सस होने के बावजूद भी बच्चों को पता चल चुका है। बच्चों को मीन पेरेंट्स को, बच्चों को तो नहीं पता, उन्हें जहाँ भेजो वो चले जाते हैं। पेरेंट्स को पता चला है कि कौन सा सेक्टर ठीक है। फ़ायदा नुकसान पेरेंट्स जो है अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उसको समझ में आ जाता है। मैं आपको बताऊं कि 3 से 6 साल तक के बच्चों का प्रोविजन नहीं था सरकारी सेक्टर में, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे उधर जाते थे। वो चेंज आ गई है। ये छोटे बच्चे जो आप सैकड़ों में देखते हो रोज़ सरकारी स्कूलों में आ रहे, ये जो है ये आते जाएंगे और सरकारी स्कूल के टीचर भी इस अभियान में शामिल हैं। मैं आपको कहूँ कि करनाल से मुझे गिला है, पिछली दफ़ा भी हमारे जो विंटर ट्यूटोरियल हैं अच्छे नहीं चले, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए था अच्छे नहीं चले, इसलिए कि पहले तो वो चाहते थे कि ये चले, लेकिन बाद में जब उन्हें कहा कि बच्चे इतने लाओ, मैंने ऐसे नहीं चलने दूंगा। क्योंकि आपको सच बताऊं टीचर को एक लालच होती है कि मुझे कैश इन लीव उस 2 महीने का मिलेगा, मैं पढ़ाऊं भी ना और कैश इन लीव, वो नहीं मैं देने वाला, नो नॉट एट ऑल, साफ कह दूं टीचर।
जो पढ़ाएगा, तो मैंने ये कहा है कि अभी तो उसके लिए फॉर्मल आर्डर सरकार की तरफ से होना बाकी है, हम उसकी तैयारी रखेंगे हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में। छोटे बच्चों को तो हम जो है विंटर ट्यूटोरियल में डालेंगे नहीं, क्योंकि सर्दी होती है, हम जो है उनको घरों में रखेंगे। सरकारी टीचर नहीं पढ़ाता है, ठीक है, वो ऑफिस ड्यूटी में तो कोई सवाल ही नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसी कोई शिकायत अगर किसी टीचर की होगी, आप हमारे सामने लाइए, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। सर अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है।